नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के ब्रह्मकुंड परिसर में बोधि वृक्ष कॉरिडोर योजना पर एक राष्ट्रीय विचार मंथन कार्यक्रम का आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुधीर कुमार पटेल की अध्यक्षता में हुई, जिसमें देश भर से कई पर्यावरण प्रेमी शामिल होकर पर्यावरण संरक्षण को लेकर अपने अपने उद्गार व्यक्त करते नजर आए। बता दें कि इस आयोजन के तहत बुद्ध सर्किट मार्ग पर राजगीर बोधगया नेपाल तक पीपल वृक्ष लगाए जाना है। राजगीर धरती पर आयोजित विचार मंथन में यह संकल्प लिया गया। इस पेड़ को लगाने के लिए, उत्प्रेरित करने के लिए बोध कॉरिडोर योजना 1 मार्च को हमसे चर्चा की, और इससे पहले डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार पटेल जी ने गंगा के किनारे 4000 नीम लगा करके एक नीम कॉरिडोर स्थापित किया है, और ये एक इनका सेकंड ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसका ये नेतृत्व कर रहे हैं, जिसके कार्यक्रम समन्वयक हमारे रेड्डी साहब हैं, और इसके संयोजक जो है हमारे राजीव रंजन पांडे जी हैं जो बीहेक फाउंडेशन के हैं। इन तीनों की योजना बनाई है, आज ये पहली बैठक है। इसके बाद में लगातार हम इस कॉरिडोर योजना में हम 500 मीटर पर एक एक वृक्ष लगाएंगे, जिसमें हम स्थानीय लोगों को उसको देख रेख के लिए सहयोग लेंगे और इस योजना को सफल बनाएंगे। आज कार्यक्रम आयोजित था कि हम लोगों का बुद्ध सर्किट में लुमनी से गया तक पीपल कॉरिडोर बनाने का, उसी संबंध में पूरे देश और बिहार के अन्य जिलों से आज पर्यावरण प्रेमियों का एक सेमिनार रखा गया है, जिसमें सभी लोगों से विचार विमर्श कर करके आगे हम लोग इस अभियान को आगे बढ़ा करके फर्स्ट फेज में गया से राजगीर तक। बिहार के गया में स्थित विश्व प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में एक और द्वार खुलेगा। पितृपक्ष मेले और विशेष मासों में जुटने वाले पिंडदानियों और तीर्थयात्रियों की भीड़ और प्रवेश द्वार से प्रवेश और निकासी में आने वाले मुश्किलों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति द्वारा इसी महीने से नए द्वार का निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। पितृपक्ष मेले के पहले भव्य द्वार का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जो खुला है उसके लिए तो हम बोले ना कि भीड़ यहाँ पर चाहे एकादशी हो, चाहे नौमी हो, चाहे विसुआ हो, पितृपक्ष मेला हो, भीड़ काफ़ी हर साल यहाँ बढ़ते जा रही है। भीड़ के हिसाब से देखते हुए हमारा जो ये मेन गेट है उसी से आना और जाना होता था, उससे गेट के बाहर काफ़ी जाम हो जाती थी। इसके लिए हम लोग ने बहुत पहले ही निर्णय लिया था कि एक गेट नया खोला जाए। गेट खोलने पर हम लोगों ने ये विचार किया कि दक्षिण साइड से अगर गेट खुलते हैं तो कुछ लोग तो नीचे उतर करके श्मशान घाट पर चला जाएगा, कुछ लोग दहने निकलेगा पार्क से तो ये चाय दुकान है, चाय दुकान से दहने निकल जाएगा बैनाथ बैठक होकर के, यहाँ पर जाम नहीं रहेगी।